अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अच्छा देखिए, मैं मीठे में आपके लिए सॉरी वाला कस्टर्ड लाई हूँ। I'm sorry. प्लीज भाभी, आप ये सॉरी वॉरी मत बोला कर। लेकिन एक बात बताओ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? पापा के सामने आपने मेरी क्यों बैंड बजा दी? तो एक्चुअली मेरा मूड बहुत खराब था, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकल गया। I'm so sorry. It's okay भाभी, वैसे भी मैं इस घर का पंचिंग बैग हूँ, जिसका जब मन करता है मुझ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता है। कभी पापा, कभी मम्मा, कभी भाई, और अब आप भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। कंग्रेचुलेशन। ऐसे मुझे आदत हो गई। ऐसा नहीं है निहार भैया, आई नो मुझसे गलती हुई है और मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी, आई एम सो सॉरी। भाभी ये देखो, अब आपका मैंने खाना खा लिया, आप मेरे लिए खाना लेके आए ना, तो आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। क्या खाना? ओके। वैसे निहार भैया, अब सच सच बताइए, आपके और अमृता के बीच में क्या चल रहा है? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसकी सच में गाड़ी खराब हो गई। निहार भैया, पापा जी नहीं है यहाँ पर, और ये फोटो देखकर तो लग भी नहीं रहा है कि उसकी गाड़ी खराब हुई थी। भाभी प्लीज, आप वो घर के बड़ों की तरह वो संस्कार इज्जत वाली घिसे पिटी लाइंस मत मारना। आप तो मेरी मॉडर्न भाभी हो, ये 90s का जमाना थोड़ी है जहाँ एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, है ना? ये तो 2021 है, यहाँ लड़का और लड़की बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। हाँ निहार भैया, पर हमारी फैमिली की सोच तो अभी भी 90s की है ना, और हमारी फैमिली और मासी जी की फैमिली आप दोनों की फ्रेंडशिप कभी नहीं समझेंगी। आज देखो क्या हुआ। भाभी अब ये तो रोज का ही है, और सही बताऊं मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ निहार भैया, पर 8 साल हो गए मुझे इस फैमिली में, और इतना तो समझ ही चुकी हूँ मैं कि हमारी फैमिली की सोच थोड़ी सी पुरानी है। इसीलिए ये एडवाइस करूंगी आपको कि आप ऐसा वैसा कुछ ना करें जिससे आगे जाके आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाएं। ओके भाभी, आप चिल करो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके। हेलो ब्यूटीफुल, मैं अभी सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। तुम कितनी खूबसूरत हो। हाँ रात को 8 बजे आ जाओ ना। अरे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मिलते हैं ना। हाँ सुधा, वो लोग ना आज रात को खाने पर आ रहे हैं। पता है मुझे क्या लगता है, इस बार ना बात बन जाएगी। अच्छी बात है ये उषा, लेकिन तू अपने ऊपर काबू रख। बचपन से ना तेरी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, ये जो तू जल्दी जल्दी उतावली हो जाती है ना, ये और मुझे... तू ना एकदम नकारात्मक। अरे यार पहली बार बात सेकंड मीटिंग तक पहुंची है, तो मैं खुश भी ना हूँ क्या? ठीक है हो जा खुश, बस चल। भाई साहब कितना देखेंगे आप, माना हमारे जेवर पुराने हैं लेकिन एकदम खरे सोने के हैं, और आप अगर हमें अच्छे दाम नहीं देंगे ना तो हम कहीं और चले जाएंगे। मैडम जरा शांति रखिए, बता रहा हूँ। कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है आपकी? अरे भाई साहब ये कैसे बात कर रहे हैं आप, वो अपने ग्राहक से कोई ऐसे बात करता है क्या? सुधा, कुछ भी सुधा, आप देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। भैया जी ये कितने का पड़ेगा? मैडम ये बेचने के लिए नहीं है, ये लाइए। नहीं सुधा, ये बेचने के लिए ही है। आप कितने पैसे देंगी इसके? उषा दिमाग खराब हो गया तेरा, श्रीधर भाई साहब ने ये इतने प्यार से विवेक के पैदा होने पे तुझे दिया था, इसे तो रख ले।
रुचि का रिश्ता अभी पक्का नहीं हुआ और तू घर के गहने बेचने आ गई। जिन चीजों के साथ तेरे पति का प्यार, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई, कम से कम उन्हें तो मत लूज। सुधा, इस वक्त मेरी बेटी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है और उसकी खुशियों के आगे मेरी कोई चीज मायने नहीं रखती, समझना। तो बताइए आप कितने पैसे देंगी इसके? इसके मैं 40,000 तक। हाँ ठीक है। उषा एक बार फिर सोच ले। देख, दोस्त होने के नाते तुझे समझा रही हूँ, जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ तेरे साथ। तो मत करना जबरदस्ती सुधा। तुझे पता है मैंने क्या सोचा है? इन पैसों से मैं रुचिता के ऑपरेशन के लिए पहले तो अपॉइंटमेंट बुक करूंगी और जो थोड़े पैसे बचेंगे ना वो मैं उज्जवल को शगुन में दे दूंगी। सबर करना सीख ले मेरी माँ। ये तो अच्छा है कि रुचि का रिश्ता आगे बढ़ रहा है, लेकिन तू नजर मत लगा। मैं खुश हूँ, मुझे मेरा काम करने देना। वैसे पूरे 40 गिन लो आप जी। ये मेरा? हाँ। अपनी बेटी के लिए अपने गहने क्या, मैं अपनी जान भी दे दूं। सुनिए, इंडिया के सारे उज्जवल दुबई जाके बस गए हैं क्या? पता नहीं यार, और इतने सारे उज्जवल में से मैं अपने वाले को कैसे ढूंढूं? मैंने तो उसकी शक्ल भी ढंग से नहीं देखी। क्या आप हवा में तीर मारे? काश विवेक घर पे होता ना, उसी को दिखा के पूछ लेती। ज्योति, कहीं ये तो नहीं? खोल यार इसकी प्रोफाइल खोल। यार रुचि, तेरी तो लॉटरी लग गई। क्या हैंडसम पति मिला तुझे। यार इससे पता करना, अगर कोई जुड़वा भाई है तो मैं भी सेटिंग कर लेती हूँ। चुप कर पागल। वैसे हाँ यार, ये तो बहुत हैंडसम है। तभी मैं सोचू उस दिन इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा था। बीवी बच्चों वाला निकला, ये तो रॉन्ग नंबर है। चल छोड़, कोई और देखते हैं। ये किसको देख रही है तो शर्मा के? दिखा हीरोइन अपनी सपनों की दुनिया से ना बाहर आ। ये वो नहीं है। पता है मुझे। रुचि, क्या कर रही हो तुम दोनों? वो मम्मी, वो आंटी, वो उज्जैन के वो लहंगे वालों की प्रोफाइल देख रहे थे, वो शादी के लहंगे के लिए। अरे वाह रुचि, तो तुम उससे भी आगे निकली। हम्म, अरे तुम ये लहंगे वगैरह छोड़ो, पहले वो शॉपिंग देखो जो मैं करके लाई हूँ। उज्जवल के घर वाले आज खाने पर आ रहे हैं, तो अब उन्हें ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाने देंगे, कुछ गिफ्ट्स तो देने होंगे ना। मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये सूट ना मैं उज्जवल की मम्मी के लिए लाई हूँ, और ये जो शर्ट है ना, ये उज्जवल के लिए है। कैसी लगी मेरी शॉपिंग? अच्छी है ना? मैंने तेरे पापा को ही दिखा के लाती हूँ। देख रही है ना इन्हें, इनकी खुशी तो लिमिट के पार हो रही है। ठीक है ना यार, एटलीस्ट मेरी मम्मी की तरह बोरिंग तो नहीं है। लेकिन ये उज्जवल के लिए कुछ ज्यादा ही खुश हो रही है ज्योति, और मेरे अंदर उज्जवल के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, मैंने उसको देखा तक नहीं है। मुझे खुद से ज्यादा मम्मी के लिए बुरा लग रहा है। इसको रख के आओ।
ये ना, तुमने जो कहा था वो सब ले आ। दिखाइए। आइसक्रीम लाना भूल गए ना आप? मैं ले आता। आप मत जाओ पापा, विवेक बाहर ही गया, उसको बोल देते वो लेते आएगा। अच्छा रुचि बेटा सुन ना, तू स्टूल पे चढ़िए ना, तो वो कांच के महंगे वाला सेट है ना ग्लासेस का, वो निकाल दे। वाह, आखिर इन ग्लासेस के दर्शन हो ही गए, वरना मुझे लगा था कि इनके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। आप बिना रुचि बेटा, ये सब करने के बाद ना तू सबसे पहले विवेक को फोन कर और उसे बोल आइसक्रीम लेता है। ठीक है। और फिर ना तू फटाफट तैयार हो जा, देख हम सब तो तैयार है, तू ही रह गई है। अच्छा रुचि के पापा, देखिए सब ठीक है ना? हाँ, बस एक कमी है। कमी है क्या? तुम्हारा सुना गला। सुना कहाँ है? मैंने मंगलसूत्र तो पहना है। अरे वो वाला पेंडेंट सेट पहनो ना, जो मैंने विवेक के पैदा होने पर तुम्हें दिया था, अच्छा लगेगा। भैया जी ये कितने का पड़ेगा बताइए? आप कितने पैसे देंगी इसके? पूरे 40। नहीं नहीं, वो ना ज्यादा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, पहन लो। अब इतना काम पड़ा है घर में, कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे? हाँ, और फिर लड़के वाले रुचिता को देखने आ रहे हैं, मुझे देखने थोड़ी ना आ रहे। तो उनके लिए तैयार होने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ। बस यही दिन देखना बाकी बचा था खाटू श्याम जी महाराज। नाती पोती खिलाने की उम्र में मेरे बेटे बहू अपनी परिवार बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। माना तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, लेकिन उसका भी शरीर है, उसमें भी जान है, उसे भी कपड़े गहने पहनने का शौक है। जरा अपनी माँ को भी बता दिया कर कि वो कैसी लग रही है। अरे माँ तू तो हमेशा से ही अच्छी लगती है। लो अब काला टीका भी लगा दिया। हट चला, चल यहाँ से। अच्छा मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं क्या सोच रही हूँ कि अगर बात आगे बढ़ती है तो उज्जवल को 11,000 और उसकी माँ को 5,000 का शगन का लिफाफा दे दे क्या? लेकिन इतने पैसे नहीं है मेरे पास अभी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैंने लिफाफे बनाए हैं, पर आप बताइए हाँ या ना। और इतने पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? रुचि के पापा, हर गृहिणी बरसात के दिनों के लिए छाते का इंतजाम करती है। अगर घर खर्च में से एक औरत ने इतने पैसे भी नहीं बचाए तो उसे गृहिणी कहलाने का हक नहीं है। अच्छा तभी मैं सोचूं मुझे 12 की जगह 6 बादाम क्यों मिल रही है। मैं रुचि को देख के आती हूँ। पूनम जी आप सच में बहुत नेक दिल इंसान है। हम जब भी आपसे डोनेशन मांगने आए हैं आपने हमें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजा। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की कोई बात ही नहीं है, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, हम तो सेवा कर रहे हैं बस। ऋतु जी माँ बेटा जरा इधर आना। आई सुना है आप लोगों ने छोटी बच्चियों के लिए एक नया एनजीओ शुरू किया है। जी तो इस नए एनजीओ के लिए चेक मेरी बहू अपने हाथों से देगी। अब शुभ काम है, शुभ हाथों से होना चाहिए। आप लोग मेरी तारीफ कर रहे थे ना, लेकिन मेरी बहू मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। बहुत थोड़े टाइम में इसने पूरे घर को संभाल लिया है। सच कहूं तो मुझे बहुत वक्त लगा था, तब जाकर मेरी सासू माँ ने मुझे इस घर की जिम्मेदारियां दी थी, लेकिन इसने बहुत जल्दी मुझे फ्री कर दिया। पूरे घर की जिम्मेदारी इसने अपने कंधों पर ले ली है। सच में अब कल को अगर मैं मर भी जाऊं ना तो इस घर में किसी को भी मेरी कमी का एहसास नहीं होगा। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? बहू नहीं है मेरी, बेटी है।
पूनम जी, हम चलते हैं, और लोगों के यहाँ भी जाना है। जी जरूर, और भी कोई जरूरत हो तो बताइएगा। जी जरूर। ऋतु इधर आना। जी माँ। वो जो तुम्हारी सहेली उस दिन घर पर आई थी, क्या नाम है उसका? शालू। अच्छा, मैं सोच रही थी नरेश जी और प्रतीक तो घर पर होंगे नहीं, तो क्यों ना तुम्हारी सहेलियों को खाने पर बुला लिया जाए, डिनर पर। सच? वैसे तो तुम्हें मौका मिलता नहीं है, पर अगर मौका मिला है तो उसे हाथ से क्यों जाने दिया जाए, तुम्हें भी तो हक है एंजॉय करने का। सॉरी। जल्दी। हाँ दी, ले ली आइसक्रीम। हाँ, अब बस आ ही रहा हूँ। ये तो उज्जवल है, ये यहाँ क्या कर रहा है? आपकी बेटी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी। उज्जवल और ये एक दूसरे को मिले, उसके बाद देखते हैं हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। अमृता, निहार का फोन आ रहा है, तो उठा क्यों नहीं रही है? ताकि उसे ये ना लगे कि मैं उसके लिए हमेशा हाजिर हूँ। लड़कों को ना अपने कंट्रोल में रखने का परफेक्ट तरीका है उन्हें खुद के लिए तड़पाना। हाय निहार। एक फोन उठाने में इतना टाइम कौन लगाता है? रिलैक्स निहार, अच्छी चीजों के ना दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, सब्र और टाइम। वो इन्हीं दो चीजों के साथ आता है, वरना नहीं आता। करेक्ट, मैं भी वही सोच रहा था। फोन तो मैंने एक गॉर्जियस के लिए किया था, लेकिन साथ में एक ब्यूटीफुल भी मिल गई। कौन है वो? हाय, मेरी फ्रेंड है। तुमने मुझसे बात करने के लिए कॉल किया है या मेरी फ्रेंड के साथ टाइम पास करने के लिए? चिल बाबा, तुमसे ही बात करने के लिए कॉल किया था। फैक्ट, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? आज रात एक फैंसी सी ड्राइव और डिनर पे चल सकते हैं? ऐसे अचानक ये प्लान? वो डैड और भाई ऑफिस की मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। मॉम और भाभी भाभी की फ्रेंड्स के साथ बिजी होने वाले, तो मैं फ्री, तो सोचा तुमसे पूछ लूं। प्लान तो परफेक्ट है तुम्हारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज शाम का प्लान मेरा ऑलरेडी सेट है। अमृत, तो फिर कभी चले? तब तक ना तुम अपने लिए कोई ब्यूटीफुल ढूंढो। डूड, लड़कियों में इतनी जलन क्यों होती है? ऐसा लगता है जैसे इनके खून में कैल्शियम और विटामिन नहीं बल्कि जलन भरी हो। एनीवेज, मेरा तो ये गोल्डन मोमेंट है, मैं तो ये वेस्ट नहीं करूंगा। प्लान तो बनेगा। What's up, bro? आठ बजने वाले हैं, वो लोग आते ही होंगे। कहाँ रह गया ये विवेक? आ जाएगा बहू, तू आते ही तो उन्हें आइसक्रीम नहीं खिलाने वाली है ना। थोड़ा धैर्य रख, सुबह से बावली हुए जा रही है। बेटी की शादी का मामला है माँ जी, लड़की से ज्यादा लड़की की माँ को घबराहट होती है। हाँ, औलाद तो तूने अकेले ही पैदा किए, हमने तो शादीशुदा ही जन्मी थी।
जी ये क्या है बेटा, तूने चश्मा क्यों पहना है? लेंस पहन के आना। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है लेंस से, और उस चक्कर में मैंने अभी तक उज्जवल की शक्ल तक नहीं देखी ढंग से। रुचि ये बात यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंची है, समझा करना बेटा, जा लेंस पहन के आ जा। रहने दो ना। नहीं, उसे लेंसेस की आदत डालने दीजिए ना। जाना रुचि, पहन ले लेंस। ठीक, कोई जरूरत नहीं है। लेंस पहनने की या कुछ भी करने की, एक नंबर का फ्रॉड आदमी है वो उज्जवल। जैसे उस दिन दीदी से बात कर रहा था ना, तभी मुझे लगा था इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है। मैं बता रहा हूँ पापा, उस लड़के की इरादे सही नहीं है, बहुत ही फ्रॉड और चंट किस्म का है वो। भास्कर विवेक, उज्जवल ने उस दिन तेरे कुछ पैसे क्या खर्च करवा दिए, तू तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया है। क्या फ्रॉड की रट लगा रखी है तूने? वो लोग आने ही वाले होंगे, तू बस चुप कर। आपको तो मुझ पर जन्म से भरोसा नहीं है ना? ये लो देखो,